नमस्कार, स्वागत है आपका विभा स्वाद रसोई में। मैं हूं आपकी होस्ट विभा और आज हम बनाने वाले हैं आम का पना, जो कि हमारे भारत का पारंपरिक और बहुत ही बेहतरीन कोल्ड ड्रिंक है, जो हमें लू लगने से बचाता है, गर्मी से बचाता है, हमारी पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है और हमें पेट की समस्याओं से निजात दिलाता है। तो आप इसे गर्मियों में जरूर बनाएं। इसे बनाने का इंस्टेंट तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए। पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल विभा स्वाद रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आम पना बनाने के लिए हमने यहाँ पे कच्चे आम लिए हैं, 3 मीडियम साइज के आम हैं। तो इनको हम अच्छी तरह से धोकर छीलकर बिल्कुल छोटे टुकड़ों में काटने वाले हैं। आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही बॉईल भी कर सकते हैं, 1 कप पानी डालकर, और इसके साथ में 1 बड़ा चम्मच भुना जीरा लिया है हमने, साबुत जीरा है ये। 2 लाल मिर्च है, लाल मिर्च आप अपनी इच्छा से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पुदीना के सूखे पत्ते यूज किए हैं, तो आप पुदीना के पत्ते सुखा करके रख सकते हैं। इसे पूरे साल आराम से यूज कर सकते हैं, इसे पीस के रख लेंगे तो ये आपके हमेशा काम आएगा, रायता वगैरह में डाल सकते हैं। तो अगर आप हरे पत्ते ले रहे हैं तो 10 से 15 हरे पत्ते आपको लेने हैं, और यहाँ पे हमने सूखे पत्ते लिए हैं। तो आप देख ही रहे हैं, 1 बड़ा चम्मच पूरा लगभग सूखे पत्ते ले लिए हैं, 1 चम्मच काला नमक है, 1 छोटा चम्मच। शुगर हमने 1 कटोरी ली है, जो लगभग 6-7 टेबल स्पून शुगर है, तो इसे आप अपनी इच्छा से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आम पे डिपेंड करता है ये, क्योंकि आम कभी खट्टे होते हैं कभी कम खट्टे होते हैं। तो शुगर की जगह पे आप गुड़ भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आम को छील करके छोटे टुकड़ों में काटना है। ये मैंने छील कर काट कर तैयार कर लिया है उस तरह से, तो इसके बीच की गुठली हमने हटा दी है। अब इसे हमें बॉयल करना है। तो इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप पना मसाला पाउडर बना के कैसे रख सकते हैं। ये जो भी सूखी चीज़ें ली हैं, इसीलिए मैंने ये ड्राई लीव्स ली थी पुदीना की। तो इन सभी चीज़ों को आप एक साथ में पीस कर रख लीजिए, तो आप लॉन्ग टर्म तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो ये जब पना मसाला पाउडर रेडी होगा तो आप आम बॉयल कर लीजिए, और बस इसमें 1 ग्लास में 1 चम्मच मसाला ये लग जाता है, 1 टेबल स्पून। तो बस फिर ये मसाला डालिए और आपका पना रेडी होगा। तो इस तरह से आप इजीली इसे प्रिपेयर कर पाएंगे। अभी हम इसे ऐसे ही यूज करने वाले हैं, बिना मसाला पाउडर बनाए। तो सबसे पहले हम आम को बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के लिए हमने एक पैन ले लिया है, पैन में हमने 1 बड़ा कप पानी डाल दिया है, गैस ऑन कर दी है, और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे सारे आम जो छोटे टुकड़े हमने काटे थे। इसके साथ ही हम सभी चीज़ें जो इसके साथ में ली थी, जैसे कि शुगर डाल दी है हमने, जीरा डाल दिया है हमने, मिर्च, पुदीना और नमक। तो अगर आप इसे व्रत के लिए बना रहे हैं तो नमक को स्किप कर सकते हैं। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो आप यहाँ शुगर को स्किप करके 1 छोटा चम्मच सफ़ेद नमक इसमें ऐड कर लें, तो ये ऐसे भी बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप इसे नमकीन बनाएंगे या मीठा बनाएंगे, तो जैसे भी बनाना है आप इसे बनाएं, पर इसे ज़रूर बनाकर पिए, इस्तेमाल करें गर्मियों में। तो इसे हम बॉईल कर लेते हैं, इसे ढक करके हम 5 से 6 मिनट पकाएंगे और ये पक जाएगा। तो ये देखिए थोड़ी देर हो चुकी है और आम बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। तो आम के सॉफ्ट होने तक हम इसे पकाना था। कट करके देख लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, ये ट्रांसपेरेंट से दिख रहे हैं, मतलब आम बनके तैयार है। अब हमें इसको पीस लेना है बिल्कुल बारीक, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। ये जो साबुत चीजें हमने इसमें डाल दी थी, वो इसलिए डाली थी कि बॉईल होने के साथ में थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इजीली ये पीस जाते हैं। फिर भी थोड़े थोड़े से रेसे बचते हैं इसमें, वो अच्छे लगते हैं पना में, पर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें आप मिर्च ना डालिए, और बनाने के बाद इसे छान दीजिए। पर ये ऐसे जिस स्टेज में बन रहा है परफेक्ट है। आपको ऐसा बड़ों के लिए बनाना है तो आप मिर्च यूज करें, लाल मिर्च भी थोड़ा फायदा करती है, गर्मियों में लू से बचाती है। तो अब हम ये पूरा ठंडा होने देंगे अच्छे से, फिर हम इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए ठंडा हो चुका है ये मिक्सचर हमारा, इसे हम मिक्सर जार में ट्रांसफर करेंगे और पीस लेंगे अच्छे से। बिल्कुल बारीक पेस्ट हमें इसका तैयार करना है।
तो ये देखिए मैं जार में से ट्रांसफर कर ले रही हूँ और फिर हम इसे पीस लेंगे। तो पीस करके जो इसका थिक सा पल्प हमें मिल जाएगा उसे हम ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं कि स्टोर करके रखिए, जब पन्ना बनाना है 2 चम्मच डालिए और पन्ना तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए हम इसे पीस रहे हैं अच्छे से और ये बढ़िया सा पीस गया है। मैं आपको स्पून से इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। हल्के हल्के से जो पुदीना के पत्ते, मिर्च के दाने दिख रहे हैं ना, ये पन्ना में बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक कप में पूरा पल्प निकाल लिया है और आइस क्यूब्स ले ली हैं। बस अब हम पन्ना तैयार कर लें अपना। तो शुगर की मात्रा अगर आपको कम लगे तो उसे बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम 2 टेबल स्पून पल्प डालेंगे ग्लास में, दोनों में 2-2 टेबल स्पून पल्प हम डाल देंगे। फिर इसमें पानी डालेंगे, पानी से फिल कर लेंगे, थोड़ा सा खाली रखेंगे ग्लास को ऊपर से, और बस इसके साथ ही हमारा पन्ना रेडी होगा। तो इतने पल्प के साथ में हमारा 6 ग्लास कम से कम पन्ना रेडी हो जाएगा इजिली। तब हम इसमें पानी डाल देते हैं, ये देखिए इसमें भी डाल दिया है। फिर दोनों ग्लासेस में हम आइस क्यूब्स डाल देंगे। तो इसमें आइस क्यूब्स डाल देते हैं ताकि ये ठंडा सा बढ़िया सा कोल्ड ड्रिंक हमारा रेडी हो जाए पीने के लिए तुरंत। तो ये देखिए आइस क्यूब डाल दी मैंने इस ग्लास में, दूसरे वाले में भी डाल देते हैं। ये देखिए इसमें भी डाल दिया हमने। इसे हल्का सा मिक्स कर देंगे ताकि जो मिक्सचर हमने इसमें डाला था वो पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और ये हमारा पन्ना रेडी हो गया। देखा आपने कितना इजी था, इसमें बस चीजें भी इसमें ज्यादा नहीं लगी हैं। तो झटपट आप आम बॉईल कीजिए, आप चाहें तो पूरा साबुत आम बॉईल कर सकते हैं और फिर उसका पल्प निकाल लीजिए। तो कोई भी धूप में जाता है अगर, तो उसके लिए तो ये रामबाण है, बहुत जरूरी होता है, उसे लू से बचाएगा क्योंकि ये पना। तो कोई भी बाहर जा रहा है उसे आप ये बॉटल में डाल के दे सकते हैं, वो पी सकते हैं बाहर जा करके, या बाहर से कोई आ रहा है तो उसे कोल्ड ड्रिंक की जगह आप ये सर्व करें पना, तो बहुत ही अच्छा रहेगा उसके लिए। तो इसे आप किसी भी रूप यूज करें या इसे थोड़ा सा गाढ़ा ही यूज कर सकते हैं आप खाने के साथ में। तो जैसे भी खाना है आप इसे एंजॉय कीजिए और इसे यूज जरूर कीजिए। इजीएस्ट वे मैंने आपके साथ शेयर किया है पन्ना बनाने का, तो पन्ना बनाइए। और साथ ही आइए, कैसा लगा आपको अपने व्यूज मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिख करके शेयर कीजिए। साथ ही चैनल विभाग स्वाद रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में। टिल देन बाय बाय।